उद्योग मंत्री ने परमार्थ इंटरनेशनल स्कूल बैजनाथ के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए विद्यालय के होनहार बच्चों को भी सम्मानित किया। उन्होंने बच्चों, अध्यापकों और अभिभावकों को वार्षिक समारोह की बधाई देते हुए कहा कि किसी भी संस्था में वार्षिक उत्सव का विशेष महत्व होता है। उन्होंने कहा कि वार्षिक उत्सव में वर्ष भर का लेखा जोखा रखा जाता है कि क्या खोया और क्या पाया। उन्होंने कहा कि वार्षिक उत्सव में विद्यालय के खेल, पढ़ाई, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाता है, जिससे बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो। अगर एवरेज उम्र निकाली जाए तो 50 वर्ष से ज्यादा नहीं बनती, और श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और इस सरकार ने जिन मुद्दों को लेकर चली है, जिन विषयों को लेकर चली है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि चाहे उसमें नशाखोरी की बात हो, चाहे उसमें महिलाओं को अधिकार देने की बात हो, चाहे उसमें 70 वर्ष से ऊपर वाली आयु के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पेंशन देने की बात हो, चाहे महिला गृहिणी योजना की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की बात हो, और जिस प्रकार से मुझे इंदु जी बता रहे थे कि यहाँ इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है, इतने ज्यादा टीचर्स हैं, और आपके कार्यक्रमों से भी ये लगता है कि जिस तरह प्रदेश की सरकार और देश की सरकार जो काम करना चाहती है, आपने बच्चों के माध्यम से उन सारी बातों को यहाँ पे रखा है। मेरा बड़े लंबे समय से इंदु जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। रंगी पर उड़ आवी, खुशियों संगे लावी।